हेलो फ्रेंड, आप थंबनेल देख के ही समझ सकते हो आज का वीडियो किस टॉपिक पे है। तो फ्रेंड, आज इस बारे में बात करेंगे 100 Mbps स्पीड का ब्रॉडबैंड पैकेज में कितना आपको स्पीड मिलता है। तो चलो फ्रेंड, देखते हैं क्या स्पीड मिलता है, कितने Mbps में कितने Mbps मिलता है, इसी बारे में बात करेंगे। तो पहले ये कह देता हूँ, आपने जो पैकेज लिया है उसको 8 से डिवाइड कर दो तो आपका स्पीड कितना आता है ये आपको मालूम पड़ जाएगा। मान लो आपके पास 100 Mbps का पैकेज है, तो इसका मतलब 100 को 8 से डिवाइड करके जो आता है 12.5 Mbps, ये आपका रियल टाइम स्पीड है। ISP से जो पैकेज हम लेते हैं वो मेगाबिट का है, और हमारे फ़ोन या लैपटॉप में स्पीड शो करता है मेगाबाइट में। तो मेगाबिट से मेगाबाइट ज़्यादा है। तो आपने 100 Mbps का पैकेज लिया है तो आपको 12.5 Mbps स्पीड ज़रूर मिलेगा, मिलना चाहिए। अगर आपने 60 Mbps का पैकेज लिए हो तो आपको 7.5 स्पीड मिलेगा, यही है लॉजिक। आपके पैकेज में जब 100 Mbps M कैपिटल, B स्मॉल, P स्मॉल, S स्मॉल, तो इसका मतलब है आपका स्पीड है 100 मेगाबिट। अगर किसी ISP ने आपको 100 Mbps M कैपिटल B कैपिटल ऐसा पैकेज देता है तो आपको 100 मेगाबाइट का स्पीड मिलेगा। ऐसा पैकेज तो ISP में नहीं होता है, लेकिन अगर कोई कॉरपोरेट कनेक्शन या लीज लाइन जिसे कहते हैं वो लेता है तो उसको 100 मेगाबाइट का ही स्पीड मिलेगा, उसका रेट भी बहुत ज़्यादा है। अगर इंडिविजुअल कनेक्शन में आपको 100 Mbps का प्राइस 700 से 800 के बीच में पड़ता है, वही कनेक्शन अगर आप कॉरपोरेट या लीज लाइन में लो तो कई लगभग 8 से 10 हज़ार पर महीना पड़ेगा। तो फिर समझ सकते हो हम यही में ठीक है, 100 मेगाबिट का ही पैकेज हमारे लिए अच्छा है, हमें 12.5 Mbps का स्पीड तो मिलता है। तो चलो फ्रेंड, मेरे पास 100 Mbps का एक पैकेज है जिसमें मैं यूज़ करता हूँ, उसका स्पीड चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड देख रहे हो मेरे ये मोबाइल का सीन, स्पीड टेस्ट करता हूँ पहले। 5 GHz में कनेक्ट है मेरा फ़ोन, मेरा राउटर डुअल बैंड है, GigaByte भी है, 5 GHz में कनेक्ट है। देख सकते हो 100 Mbps का स्पीड, ये अलायंस ब्रॉडबैंड का सर्विस है मेरे पास। डाउनलोड स्पीड आया है 108, अपलोड लगता है थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगा, 114 अपलोड स्पीड आया है। तो फ्रेंड अब इसका रियल टाइम स्पीड मेगाबिट से मेगाबाइट में चेक करता हूँ, ठीक है। अब देखना 12.5-13 के आसपास ही रहेगा, चलो देखते हैं। ये आपका रियल टाइम स्पीड है, वो 100 Mbps वो 60 Mbps इसका कोई मतलब नहीं है, यही है आपका ओरिजिनल स्पीड। 100 Mbps पैकेज में 12.5 से 13 के आसपास दे रहा है डाउनलोड स्पीड, अपलोड थोड़ा ज़्यादा है, नेटवर्क बहुत अच्छा है इसीलिए ऐसा स्पीड दे रहा है। तो फ्रेंड देख रही हो, तो फ्रेंड ऐसे वीडियो बनाने का मेरा कोई इच्छा नहीं था, लेकिन इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि मैं खुद ब्रॉडबैंड का काम करता हूँ। एक दो यूज़र तो ऐसे ही पूछ लेते हैं कि मेरा तो पैकेज 100 Mbps का है तो स्पीड इतना क्यों आ रहा है। तो आप लोगों का यही बताना है, आपका पैकेज जो होता है वो मेगाबिट में होता है और स्पीड आता है मेगाबाइट में, ठीक है। आपका जो पैकेज है उसको 8 से डिवाइड कर दो तो आपका रियल टाइम स्पीड आ जाए। तो फ्रेंड ऐसे ही ब्रॉडबैंड से रिलेटिव वीडियो इस चैनल में आने वाला है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वॉच माई वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। गुड बाय 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 फ्रेंड।